नमस्कार, मैं हूं अंजलि। आते भारत में आपका स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ सुर्खियों पर। बेखौफ अपराधियों ने की भारत फाइनेंस कंपनी से 1,40,000 की लूट। एक बुजुर्ग दंपति से लंगदारी व फिरौती की डिमांड करने का मामला सामने आया है, जो कि गांव के कुछ अपराधी प्रवृत्ति के लोग डिमांड किया करते हैं। बिहारी फर्स्ट बिहार फर्स्ट अभियान के तहत लोजपा सांसद ने की प्रेस वार्ता। 25,000 नए सदस्य बनाने वालों को ही विधानसभा चुनाव लड़ने की होगी प्राथमिकता। चंदन सिंह। बेगूसराय में एक निजी विद्यालय का स्कूली बस दुर्घटनाग्रस्त होने से 10 से अधिक बच्चे घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए निजी अस्पतालों में ले जाया गया है। सुभाष चौक के नजदीक मोटरसाइकिल सवार युवक की गोली मारकर हत्या। तिलैया थाना क्षेत्र का मामला, जांच में जुटी पुलिस। शाम में हरिपुर के पास एक मोटरसाइकिल दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें सवार 3 लड़के थे। एक की दुर्घटना स्थल पर ही मौत हो गई। मृतक जामा बहियार का बताया जा रहा है, बाकी 2 लड़कों की हालत नाजुक है। धनबाद जिला के बलियापुर प्रखंड के बलियापुर पतला बारी रोड दूधिया में रोड के किनारे क्रशर संचालक द्वारा दिन हो या रात क्रशर से निकलने वाले डस्ट, दिन के समय रोड में चलने वाले राहगीरों को क्रशर से उड़ता हुआ डस्ट आंख में घुस जाने के कारण कई सारी दुर्घटना भी हो चुकी है। रांची जिला के चानू प्रखंड में चोरिया स्थित अम्बेडकर चौक से संत शिरोमणि रविराज जयंती समारोह काफी हर्षोल्लास व धूमधाम से मनाया गया। देवघर सूचना भवन सभागार में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के तहत एक दिवसीय PCPNDT एक्ट कार्यशाला का आयोजन किया गया। मनमानी ढंग से सेशनल टेस्ट एवं यूनिवर्सिटी टेस्ट में अंक देने पर छात्र संघ ने जताया विरोध, किया धरना प्रदर्शन। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बेतिया का अचानक रविवार की देर संध्या निरीक्षण करने जिलाधिकारी पश्चिम चंपारण कुंदन कुमार पहुंचे, जहां उन्होंने NJ के हॉस्पिटल के सभी वार्डों में घूमकर निरीक्षण किया। पश्चिम चंपारण के बेरिया प्रखंड मलाही बरुआ पंचायत में सोमवार के दिन बिहार पुलिस सप्ताह समारोह में 3rd दिन फुटबॉल खेल का आयोजन किया गया। जमीन समाधि पर बैठे किसानों से देर शाम मिलने पहुंचे BDO। BDO के आग्रह आश्वासन पर किसानों ने समाप्त किया जमीन समाधि सत्याग्रह। धनबाद जरिया के भौरा थाना अंतर्गत काली मेला नीचे डुमरी दामोदर नदी छठ घाट में बिरजू ने की आत्महत्या। बोकारो जिला के पेटरवार प्रखंड अंतर्गत चांपी गांव में बारिश के साथ हुई ओलावृष्टि से फसलों को काफी नुकसान हुआ है। किसान परेशान है कि खेत में लगी पूंजी इस बार फिर बर्बाद हो गई है। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। आप हमारे YouTube चैनल आप ही भारत को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आप हमारे Facebook पेज आप ही भारत पर भी लाइव खबरें देख सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। हेलो दोस्तों, क्या आप लोग सच में न्यूज देखना चाहते हैं? मैं भी देखना चाहती हूँ झारखंड से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर को, लेकिन टीवी पर आपको झारखंड से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर नहीं मिलेगी। तो झारखंड से जुड़ी हर एक खबर को देखने के लिए अभी YouTube पर जाइए और सर्च कीजिए RP भारत को, और सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन आइकन को दबाना मत भूलिए। RP भारत, जहाँ पर आप देख सकते हैं झारखंड से जुड़ी हर एक छोटी बड़ी खबर को।